सिर्फ एक ही ईमानदार पत्रकार है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? और कोई पैसा लेता है क्या? मैंने पहले ही याद करिए ना, रत्नाकर और फिर वाल्मीकि, यही है ना जी। और सीता की पवित्रता अयोध्या के बाहर, और एक त्याग, यही है ना। किसानों का की कुर्बानी, नील की खेती, और फिर अंग्रेजों का शोषण, और किसानों की लड़ने की हिम्मत, चेंज करने की हिम्मत, एक वन चंपारण, चंपा का एक वन जहां नेचर की छटा में हमारी तहजीब संस्कृति बौद्ध का संगम, बौद्ध के जीने के वसुधैव कुटुंबकम तरीके, और सब एक परिवार, और चंपारण के संघर्ष, क्रांति और सत्यता की भूमिका का नमन। यहाँ नेता सत बोलते ही नहीं, चंपारण की बात क्या करें, झूठ का आवरण। यहाँ बेतिया महाराज की जमीन पर कब्जा करने का अपराधी नेताओं का मकसद, सभी लुटेरों का रेस्पेक्ट, चीनी मिल में आत्महत्या के बाद, हत्या के बाद चीनी पीने का शौक नरेंद्र मोदी जी का समाप्त हो गया, और मोतिहारी की चीनी मिल की सारी जमीनें और फैक्ट्री खत्म हो गई। सिर्फ एक ही ईमानदार पत्रकार है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? और कोई पैसा लेता है क्या? मैंने पहले ही कहा जी कि दैनिक भत्ता से इनका कुछ नहीं हो, मैंने वही काट दिया। जो अखबार के मालिक है, टीवी के मालिक है, सरकार का एड तो उन्हें मिलता है जी, सारा पैसा कौन लेता है? और जो फील्ड में काम करने वाले हैं, वो गोली से भी, बारिश से भी, तूफान से, किसान से कम हमारे छोटे पत्रकार, जिसकी विचार बहुत बड़े हैं, जो मेहनत ज़्यादा करता है, संघर्ष करता है, जज्बा रखता है, खबरों को, छोटे छोटे खबरों को दुनिया पहुंचाता है, और उसको कुछ नहीं मिलता, वो तो रेस्पेक्ट के पात्र है ही नहीं। और आपसे मैं प्यार करता हूँ, आई लव एंड आई। सर सर, आपको ये बेइज्जती जो है सो दिखाई दिया है या नहीं दिखाई दिया है? यह मानते हैं कि नहीं कि बेइज्जती है? सुने नहीं मेरे बारे में? नहीं जी, सुने जी, जी सर। मैंने तुरंत क्या कहा, क्या कहा आपने? कहा कहा कि पत्रकार जी नहीं पाता है इस भत्ता में, इस पैसे में, कोई नहीं जी पाएगा। ये तो सोशल मीडिया आ गया है कि कुछ लोग जिंदा हैं, लेकिन ये जो अखबार हैं, ये टीवी है, उसके जो पत्रकार हैं, उसका तो रेस्पेक्ट ही नहीं। जिसको माइक पकड़ने का तरीका नहीं मालूम है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। वही बात मैं आपको कह रहा हूँ, वो मैं उस पर नहीं जाइए, उसका भाव अलग नहीं था। आयोजनकर्ता को क्या कहना चाहेंगे, पत्रकारों को और बेइज्जती कर रहा है? कहीं ना कहीं आयोजनकर्ता पत्रकारों का मजाक उड़ाया गया है। सुनिए ना, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। उनका भाव किसी के अनरिस्पेक्ट का नहीं था, उनका भाव था कि पत्रकार ईमानदार हैं। सर एक ईमानदार है, सर एक ईमानदार है, सर 2000 लोगों के बीच में मात्र एक ही पत्रकार ईमानदार है, एक नेता ईमानदार है, तो देना, हम चलाएंगे उससे, हम जाकर पूछेंगे सबको बेइज्जती करने। सर पूरे हॉल में तो, सर पूरे हॉल में 2000 लोग बड़े हुए थे। मैंने आपको क्या कहा जी कि पत्रकार, किसान और जवान, दैनिक भत्ते पर जो पत्रकार हैं, वो किसान और जवान से के इक्वल है।